देखिए महंगाई की जो मार पड़ रही पूरे देश के अंदर, उसका अनेक कारणों के अलावा ये पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ते बार बार, वो मुख्य कारण है। आप याद कीजिए, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 140 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए थे दाम, तब भी यूपीए गवर्नमेंट वक्त में 70 रुपये से ऊपर भाव नहीं गया डीजल पेट्रोल का आसपास रहा, क्योंकि 10 रुपये सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब आम जनता को तो इन बातों से वो बताते नहीं हैं, छिपाते हैं। उन्होंने 10 रुपये से बढ़ा के 32 रुपये तक कर दिए एक बार तो, और ये भी आम जनता को नहीं मालूम पड़ता है कि उसमें जो मुख्य एक्साइज ड्यूटी होती थी उसमें राज्यों का हिस्सा बढ़ता था वापस, एक्साइज ड्यूटी इकट्ठे होती थी वापस बढ़ती थी राज्यों को, वो ख़त्म कर दिया राज्यों को, ख़त्म कर दिया मतलब नहीं के बाबा कर दिया। और दूसरी एक्साइज ड्यूटी होती है एडिशनल, उसको इतना बढ़ा दिया वो उनके खाते में जा रही है, और भाव बढ़ते जा रहे हैं जो आपके आसमान छू रहे थे। और आपको इस बात का जानकारी है, वैसे तो चुनाव की घोषणा होते ही सारे प्राइस बढ़ने बंद हो गए थे, प्राइस बढ़ने बंद हो गए थे पेट्रोल डीजल के। और जैसे यूपी चुनाव समाप्त हुए, पहले हमने कहा था चुनाव खत्म होते ही प्राइस बढ़ाएंगे, वही हुआ। आप देख रहे हैं चुनाव के बाद में लगभग 10 रुपये बढ़ा दिया प्रति लीटर, और कल घोषणा करी है कम करने की, तो उसके मायने क्या हुए? 9 रुपये कम कर दिए, 8 रुपये कम कर दिए। तो ये धोखा देने वाली बात है जनता को, धोखा देने वाली बात है। आज राज्य सरकार को मजबूत करना चाहिए इनको। अगर स्टेट गवर्नमेंट मजबूत होगी तो कोरोना की लड़ाई भी जंग लड़ी जाएगी, लड़ी गई है। अन्य गतिविधियां बढ़ेगी राजस्थान के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी, उसकी चिंता इनको नहीं है। तो चिंता इस बात की है कि जो भाव कम किए गए वो खाली यूपी चुनाव के बाद में बढ़ाए गए थे, वो पूरे नहीं, उससे कम भाव कम किए कल, बाबा लूट रहे हैं खाली बिना मतलब की। और उनको उन्होंने जब कम किए, हमारा स्वतः कम हो जाता वैट, और ऊपर से अभी इको तो मेरे और कम कर दिए, बढ़ा दिए अभी कल ही, आज ही बढ़ा दिए हैं। आम जनता को इनको मालूम है कि उनको पता नहीं लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये परंपरा अच्छी नहीं है,